हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स की और उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। दोस्तों, एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। पिछले कई दिनों से आप सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर, आप कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्लासेस लेकर आइए, कंप्यूटर के MCQ करवाइए। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी यह पुस्तक कंप्लीट होती है, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, यह इस पुस्तक का सेकंड लास्ट वीडियो है और यह अध्याय इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे इस पुस्तक के बारे में। इसके बाद यह पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि जो पंचायती राज की परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक है, उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। और जैसे ही यह दोनों पुस्तकें कंप्लीट होती हैं, हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लासेस से लाभ होता है तो आप तो वीडियो देखें ही, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को जिनको इन वीडियोस से लाभ हो सकता है और जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर करें। उनसे भी कहें आप वो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें मनोबल मिलता है और हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश समसामयिकी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न क्रमांक एक की। दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन 2020 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 104वें संविधान संशोधन के बाद कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इस संशोधन के पहले एक सीट और हुआ करती थी जो एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ करती थी। अब हम चर्चा करते हैं 104वें संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 230। इस संशोधन के पहले भारत के 14 राज्यों की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ से यह भी उठ सकता है कि 104वें संविधान संशोधन के पहले भारत के कितने राज्यों में या कितने राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान था। तब आपको आंसर करना होगा 14 ऐसे राज्य थे जहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान था। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक दो की। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा भोपाल जिले में खोला गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा भोपाल को। दोस्तों, भोपाल में राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी परिसर में ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की गई है। प्रश्न क्रमांक तीन, 2021 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर किस जिले से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, विवेक सागर का संबंध होशंगाबाद जिले से है। अब हम बात करते हैं विवेक सागर की। दोस्तों, विवेक सागर होशंगाबाद जिले के इटारसी से संबंधित हैं। यह 2021 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इन्हें DSP पद देने की घोषणा की है। प्रश्न क्रमांक चार, दोस्तों, सेरेडिपिटी इको एडवेंचर रिसॉर्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यह रिसॉर्ट तामिया में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, जिसमें हम देखेंगे सेरेडिपिटी इको एडवेंचर रिसॉर्ट को। दोस्तों, यह छिंदवाड़ा के तामिया जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों, तामिया को छोटा पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि किस स्थान को हम छोटा पचमढ़ी के नाम से जानते हैं। तब आपको आंसर करना होगा तामिया। और यदि प्रश्न यह उठता है कि छोटा पचमढ़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तब आपको आंसर करना होगा छोटा पचमढ़ी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों, तामिया तहसील के अंतर्गत पातालकोट, तुलतुला मंदिर, छोटा महादेव, अनहोनी गर्मकुंड आदि प्रमुख पर्यटक स्थल स्थित है। इसी क्रम में अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पांच को। तो दोस्तों, देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2021 को देश के पहले प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया।
दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर यदि हम नज़र डालें तो यहाँ लिखा हुआ है 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। तो अब हमें एक तथ्य और जानने को मिला कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस होता है, जनजातीय गौरव दिवस हम 15 नवंबर को मनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम शाहपुर रेलवे स्टेशन था, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण वर्ष 1905 में किया गया, उस समय इसे हम शाहपुर के नाम से जानते थे। 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया एवं करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 7, इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर जिले में स्थित है, अब इसका नाम टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। दोस्तों 22 नवंबर सन 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह शहर है इंदौर जिसको देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं इंदौर के बारे में जो कि है देश का प्रथम वाटर प्लस शहर। दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। 5 बार अर्थात सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड हासिल करने वाला इंदौर ने एक और उपलब्धि हासिल की है, वह यह है कि उसको प्रथम वाटर प्लस संपूर्ण देश में घोषित किया गया है। दोस्तों इस शहर के रूप में घोषणा के लिए 84 शहरों ने अपनी दावेदारी की थी, अर्थात 84 शहरों में से हमारे प्यारे इंदौर का चयन इस वाटर प्लस शहर के लिए किया गया है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा सघन जमीनी सत्यापन के बाद इंदौर को मिला वाटर प्लस का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आसानी से नहीं मिलता है प्रमाण पत्र। प्रश्न क्रमांक 10, 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में 4 नई तहसीलों का गठन किया गया है। उनके नाम है मुंदी तहसील जो कि खंडवा जिले से संबंधित है, किल्लौद तहसील इसका संबंध भी खंडवा जिले से है, दिगौड़ा तहसील टीकमगढ़ की है, धूलकोट तहसील बुरहानपुर जिले से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 11, 10 नवंबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 तहसीलें बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या 428 हो गई है। दोस्तों 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में 4 तहसीलों का गठन किया गया। अब से पहले तक मध्य प्रदेश में 424 तहसीलें थी, परंतु 4 नए तहसीलों के गठन के पश्चात इनकी संख्या 428 हो गई है। प्रश्न क्रमांक 12, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के कितने गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, 3 गांवों को हमने बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया है। तो भारत के वे 3 गांव कौन से हैं दोस्तों? मेघालय का कांगतोंग गांव, तेलंगाना का पोचमपेल्ली गांव, मध्य प्रदेश का लाड़पुरा खास गांव। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का लाड़पुरा खास गांव हमें ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। दोस्तों देश का पहला रॉक सेल्टर कॉरिडोर किस शहर के नज़दीक बनेगा? तो दोस्तों यह रॉक सेल्टर कॉरिडोर भोपाल के नज़दीक बनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं रॉक सेल्टर कॉरिडोर की। दोस्तों भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक सेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इसके बारे में जान सके इसके लिए रॉक सेल्टर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। दोस्तों इसमें भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लाल घाटी साइट शामिल की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 14, सांस SAANS अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अब हम चर्चा करते हैं सांस अभियान की। तो दोस्तों निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 5 फरवरी 2021 को भोपाल से हमने सांस अभियान प्रारंभ किया। दोस्तों सांस का पूर्ण रूप है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू
न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। प्रश्न क्रमांक 15, 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? दोस्तों हम सभी जानते हैं 30 सितंबर 2021 को बालाघाट के चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं चिन्नौर चावल के बारे में। दोस्तों 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिलने वाला यह पहला भौगोलिक संकेतक। प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन उभरा है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण 2021 की। दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया। प्रश्न क्रमांक 17, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रस्तावित है। दोस्तों भोपाल में 2015 में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के देवास में प्रस्तावित है। प्रश्न क्रमांक 18, जनवरी 2021 को इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पलक शर्मा को जनवरी 2021 में प्रदान किया गया। दोस्तों पलक शर्मा 13 वर्षीय इंदौर शहर की गोताखोर हैं। इन्हें 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों की और उनके लिए प्रस्तावित राशियों की। तो दोस्तों एकलव्य पुरस्कार के लिए राशि 1 लाख रुपए, विक्रम खेल पुरस्कार के लिए 2 लाख, विश्वामित्र के लिए भी 2 लाख रुपए, प्रभाष जोशी सम्मान के लिए भी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो दोस्तों पर्थ साहिनी जी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वर्तमान 2021 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान पर्थ साहिनी हैं और यह उज्जैन के रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 21, देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2021 को देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अब हम चर्चा करते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की। दोस्तों 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसको हम शाहपुर के नाम से जानते थे। 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया एवं करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 22, पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों भूरी बाई का संबंध चित्रकारी से है। अब हम चर्चा करते हैं भूरी बाई के बारे में। दोस्तों इनका जन्म झाबुआ जिले के पिटोला गांव में हुआ। यह भीली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों भूरी बाई को 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 23, इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टंट्या मामा चौराहे के नाम से अब इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा जाना जाएगा। दोस्तों 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर शहर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर टंट्या मामा चौराहा कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 24, तानसेन पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों यह सतीश व्यास जी को प्रदान किया गया। अब हम चर्चा करते हैं तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों की। दोस्तों 2019 में विद्याधर व्यास को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। 2020 में संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों प्रश्न उठ सकता है कि
पंडित सतीश व्यास का संबंध किस से है, तब आपको संतूर ऑप्शन पर टिक करना होगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की। दोस्तों, कालिदास सम्मान 2020 रंग कर्म के क्षेत्र में किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए श्री बामन केंद्रीय मुंबई को कालिदास सम्मान 2020 रंग कर्म के क्षेत्र में प्रदान किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कालिदास सम्मान 2020 की। एक तरफ प्राप्तकर्ता दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। दोस्तों, श्री बामन केंद्रीय मुंबई को यह पुरस्कार रंग कर्म के क्षेत्र में दिया गया। श्री ध्रुव मिस्त्री जो कि बड़ौदा से हैं, उनके लिए तानसेन सम्मान 2020 रूपांकर कला के लिए दिया गया। सुश्री शांता बीपी धनंजय चेन्नई को शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया एवं पंडित भजन सोपोरी दिल्ली के लिए शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कालिदास सम्मान 2020 या 2020 प्रदान किया गया। प्रश्न क्रमांक 26, गिद्ध रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या किस जिले में है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पन्ना जिला। गिद्ध रिपोर्ट 2021 के अनुसार पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या 981 पन्ना जिले में है। प्रश्न क्रमांक 27, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान ने चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया। दोस्तों, अफ्रीकन चीतों के लिए कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया। प्रश्न क्रमांक 28, नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश वन विभाग ने कितने नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश वन विभाग ने 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। अब हम चर्चा करते हैं 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रस्तावित जानकारी के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इस प्रस्ताव के बाद इनकी संख्या 36 हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 29, नवंबर 2021 में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल है? तो दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी अभ्यारण्य, अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो कि प्रस्तावित हैं। इसमें शामिल है महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर, अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर, माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर, राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला, जमुना देवी अभ्यारण्य धार, राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा, ओमकारेश्वर अभ्यारण्य खंडवा, राघोगढ़ अभ्यारण्य गुना, भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए सांची में मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी प्रस्तावित है। अब हम चर्चा करते हैं सांची की। दोस्तों, 75 करोड़ रुपए की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। सांची के घर, सड़कें और निजी सरकारी दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। दोस्तों, उड़ीसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर एवं सांची भारत का दूसरा सोलर शहर बनेगा। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश के आगर में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है? तो दोस्तों, आगर में 550 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। अब हम चर्चा करते हैं प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट की, जिनकी घोषणा 25 नवंबर 2021 को की गई थी। उसमें शामिल है आगर सोलर प्लांट 550 मेगावाट, शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट, नीमच सोलर प्लांट 550 मेगावाट। प्रश्न क्रमांक 32, सुभदा भोसले गायकवाड़ का संबंध किस से है? तो दोस्तों, यह क्रिकेट एम्पायर हैं। अब हम चर्चा करते हैं सुभदा भोसले गायकवाड़ की। दोस्तों, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर कौन है? सुभदा भोसले गायकवाड़। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की, मनु भंडारी एक प्रसिद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी कहानीकार हैं। अब हम चर्चा करते हैं मनु भंडारी के बारे में। दोस्तों, मनु भंडारी प्रसिद्ध कहानीकार थी जिनका निधन 15 नवंबर 2021 को हो गया। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। मनु भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा रही हैं।
महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख कृतियां या रचनाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की। डॉक्टर चंद्रा नायडू का निधन 2020 में हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? यह महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर चंद्रा नायडू के बारे में। दोस्तों, भारतीय पूर्व क्रिकेटर सी के नायडू की पुत्री थी चंद्रा नायडू। यह देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं। 2020 में इंदौर में इनका निधन हो गया। प्रश्न क्रमांक 35, डिंडोरी जिले की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भाषण दिया? ऑप्शन नंबर ए, रेखा दराम ने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भाषण दिया, जिनका संबंध डिंडोरी जिले से है। प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इशिता विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जबलपुर जिले की प्रसिद्ध गायिका इशिता विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। प्रश्न क्रमांक 37, बांधवगढ़ इनहेरिटेंस पुस्तक का विमोचन भोपाल में किया गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बिट्टू सहगल बांधवगढ़ इनहेरिटेंस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में गमक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय संग्रहालय भोपाल में गमक महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, गमक महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन में संयुक्त रूप से किया जाता है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में लगभग 500 संगीतकारों ने भाग लिया। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश में SCR अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जा रहा है, इनमें कौन से शहर स्थान शामिल होंगे? तो दोस्तों, इसमें भोपाल, मंडीदीप, सीहोर, अबिदुल्लागंज, यह चारों स्थान शामिल होंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, SCR अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में SCR का गठन किया जाएगा। SCR में भोपाल, सीहोर, मंडीदीप और अबेदुलगंज, जो कि रायसेन जिले में आता है, शामिल किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 40, मध्य प्रदेश सरकार ने किसे सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर ए, चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम चर्चा करते हैं चेतन सोलंकी के बारे में। दोस्तों, सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चेतन सोलंकी लगातार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। वे अपने सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन परिवारों तक सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 41, दोस्तों, भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम अर्थात पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, यह इंदौर जिले में खोला गया है। दोस्तों, 2020 में इंदौर में भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय अर्थात पैदल सेना संग्रहालय खोला गया है। प्रश्न क्रमांक 42, मध्य प्रदेश के किस जिले में संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट आगरमालवा में लगाई गई है। प्रश्न क्रमांक 43, भारत का पहला हेल्थ ATM किस रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, रतलाम रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला हेल्थ ATM लगाया गया है। प्रश्न क्रमांक 45, वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो दोस्तों, बाबूलाल दाहिया जी को पद्मश्री पुरस्कार जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं बाबूलाल दाहिया के बारे में। दोस्तों, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सतना जिले के बाबूलाल दाहिया को वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 46, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रियाबंद लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रतलाम को हम रियाबंद लहसुन की प्रजाति के लिए जानते हैं। दोस्तों, रासे रतलाम, रासे रियाबंद, आप याद कर सकते हैं। रियाबंद लहसुन की प्रजाति के बारे में यदि हम बात करें तो रतलाम जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत इस लहसुन का प्रचार कर रही है और रियाबंद लहसुन GI टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए भी प्रस्तावित है। प्रश्न क्रमांक 47, मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी,
11.06 मिलियन। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश पशु गणना 2019 की। यहाँ एक तरफ पशु दिए गए हैं, दूसरी तरफ पशु गणना लिखी हुई है। गाय की संख्या मध्य प्रदेश में 2019 की गणना के अनुसार 18.7 मिलियन, बकरी की संख्या 11.06 मिलियन, भैंस की संख्या 10.3 मिलियन, घोड़ा की संख्या 0.13 लाख। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का निधन हुआ, वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका संबंध देवास से था। दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यह मध्य प्रदेश की राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि राजनीति का संत किसे कहा जाता है या कहा जाता था, तो दोस्तों कैलाश जोशी या कैलाश चंद्र जोशी, ऑप्शन पर आपको टिक करना है। दोस्तों कैलाश जोशी 8 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 49, अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 50, स्मार्ट सिटी योजना के तहत कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश को 11 श्रेणी में अवार्ड प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सी श्रेणी शामिल है? तो दोस्तों इसमें सिटी अवार्ड, प्रोजेक्ट अवार्ड एवं इनोवेशन अवार्ड तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 50 का सही जवाब है। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना के तहत कॉन्टेस्ट 2020 की यदि हम बात करें तो दोस्तों सिटी अवार्ड में इंदौर प्रथम स्थान पर है, प्रोजेक्ट अवार्ड में भोपाल, इनोवेशन अवार्ड में इंदौर प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस अध्याय के भाग दो एवं इस पुस्तक के अंतिम वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से बात करेंगे एवं इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों अपने कोई भी डाउट्स आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड की हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और एवं हमारी सुविधा का लाभ लें। इसमें हम समय पर आपके लिए स्टडी मटेरियल, हमारे वीडियो की लिंक, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आदि आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आने वाले समय में हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों लगातार बने रहें हमारे साथ, लगातार सीखते रहें। जल्द ही हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लाने वाले हैं। अधिक से अधिक लोगों तक आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, इससे हमें मनोबल मिलता है और लगातार हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।